पहला प्रश्न है, इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? आपके विकल्प हैं, ए 8 लीटर, बी 6 लीटर, सी 4 लीटर, डी 2 लीटर। आपका सही उत्तर है सी 4 लीटर। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा देश है यहाँ एक भी खेत नहीं है? आपके विकल्प हैं, ए जापान, बी सिंगापुर, सी कनाडा, डी रूस। आपका सही उत्तर है बी सिंगापुर। तीसरा प्रश्न, श्री राम जी द्वारा लंका तक बनाया गया राम सेतु कितने किलोमीटर लंबा है? आपके विकल्प हैं, ए 32 किलोमीटर, बी 38 किलोमीटर, सी 42 किलोमीटर और डी 48 किलोमीटर। आपका सही उत्तर है डी 48 किलोमीटर। चौथा प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य दूसरे राज्यों के साथ सबसे ज्यादा सीमाएं साझा करता है? आपके विकल्प हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी राजस्थान। आपका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। पांचवा प्रश्न, किस पेड़ को काटने पर उसमें से खून निकलता है? आपके विकल्प हैं, ए बरगद, बी पीपल, सी ब्लडवुड ट्री, डी आम। आपका सही जवाब हो जाएगा सी ब्लडवुड ट्री। छठा प्रश्न है, 500 का नोट छापने में कितना खर्च आता है? आपके विकल्प हैं, ए 3 रुपए, बी 5 रुपए, सी 7 रुपए और डी 9 रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 3 रुपए। सातवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं, ए लड्डू, बी जलेबी, सी बर्फी, डी रसगुल्ले। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी जलेबी। आठवां प्रश्न है, किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? आपके विकल्प हैं, ए इंग्लैंड को, बी कनाडा को, सी अमेरिका को, डी इंडोनेशिया को। इसका सही जवाब है बी कनाडा को। नौवां प्रश्न, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? आपके विकल्प हैं, ए जम्मू कश्मीर को, बी हिमाचल प्रदेश को, सी मुंबई को, डी दिल्ली को। आपका सही उत्तर होगा सी मुंबई को। दसवां प्रश्न, बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपके ऑप्शंस हैं, ए नेपाल का, बी स्पेन का, सी फ्रांस का, डी पाकिस्तान का। इस सवाल का सही जवाब होगा बी स्पेन का। ग्यारहवां प्रश्न, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? आपके विकल्प ये रहे, ए भैंस का, बी बकरी का, सी हाथी का, डी ऊंट का। आपका सही उत्तर है डी ऊंट का। बारहवां प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कम काटते हैं? आपके विकल्प हैं, ए बी पॉजिटिव, बी ओ नेगेटिव, सी ए पॉजिटिव, डी बी नेगेटिव। आपका सही उत्तर है सी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को। तेरहवां प्रश्न, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए काला, बी लाल, सी सफेद, डी पीला।
इसका सही जवाब होगा सी, सफेद। जो भी मेरे दोस्त कम सब्सक्राइबर्स देखकर भी मेरी मेहनत देखते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया मुझ पर यकीन करने में। आपके एक एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, धन्यवाद। तो चलिए अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, गूगल की स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1988 में, बी 1999 में, सी 2000 में और डी 2005 में। सही उत्तर होगा ए 1988 में। 15वां प्रश्न, किस जानवर का खून नीला होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मछली का, बी ऑक्टोपस का, सी मगरमच्छ का, डी डॉल्फिन का। आपका सही उत्तर है बी ऑक्टोपस का। 16वां प्रश्न, किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु है? आपके विकल्प हैं ए पंजाब में, बी मध्य प्रदेश में, सी हरियाणा में, डी उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश में। आपके लिए अगला प्रश्न है, दुनिया में एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जिसका झंडा दोहरे त्रिभुज आकार का है? आपके विकल्प हैं ए बांग्लादेश का, बी भूटान का, सी क्यूबा का, डी नेपाल का। आपका सही उत्तर होगा डी नेपाल का। 18वां प्रश्न है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रेट ब्रिटेन का, बी जापान का, सी जर्मनी का, डी रूस का। आपका सही जवाब होगा ए ग्रेट ब्रिटेन का। 19वां प्रश्न, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? आपके विकल्प हैं ए भारत में, बी थाईलैंड में, सी श्रीलंका में, डी फ्रांस में। आपका सही उत्तर है बी थाईलैंड में। आखिरी प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी बैंक ऑफ स्टेट, डी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका सही उत्तर है ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक प्रश्न आपके लिए, राम नाम जपना पराया माल अपना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके विकल्प हैं ए दान करना, बी भगवान का भक्त, सी धोखा देना, डी दूसरों से धन लेना। अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।